हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो बात करते जहाँ पाकिस्तान का T20 लीग यानी PSL स्टार्ट हो गया, इसमें टोटल 6 टीम्स आपस में खेल रही है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के तीसरे मैच की, जो कि खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बीच में। यह मैच 18 फरवरी को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 56% रहेगा और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज, देखते हैं जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 80% जीतने का चांस है, तो बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 20% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर, देखते हैं जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 176 है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 154 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हो, और जहाँ पे मुल्तान सुल्तान 5 मैच जीत के आ रही है, तो कराची किंग्स भी 5 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम कराची किंग्स का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे इस साल की सीजन के लिए कराची किंग्स ने काफ़ी अच्छे अरेंज किए प्लेयर्स, जहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के लिए 2 फ्लूपी हैं, वेस्ट इंडीज़ के जहाँ पे ऑलराउंडर केरन पोलार्ड है, वहीं पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान जहाँ पे शान मसूद और न्यूजीलैंड के विकेट कीपर जहाँ पे टिम साइफोर्ड को साइन किया गया। वहीं अगर बैटिंग यूनिट में जहाँ पे टीम रन बनाने के लिए शान मसूद, जेम्स विंस, किरण पोलार्ड, शोएब मलिक और मोहम्मद नवाज पर डिपेंड हुई। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करें तो जहाँ पर टीम समय पर ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए मोहम्मद नवाज, मीर हमजा, हसन अली, जाहिद महमूद जैसे बॉलर्स पर डिपेंड होगी। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर शान मसूद है जो कि कैप्टन बने हैं, जेम्स विंस है, किरण पोलार्ड है, शोएब मलिक, मोहम्मद नवाज, अराफत माइनस है, मोहम्मद अकबाल जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जाहिद महमूद है, अनवर अली, हसन अली, मीर हमजा। अब बात करते हैं दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे न्यू प्लेयर्स में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के ओपनर डीजे हेंड्रिक्स है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर जहाँ पे डेविड मिलर है, वेस्ट इंडीज के बैटर जहाँ पे जॉनसन चार्ल्स है, और फास्ट बॉलर जहाँ पे क्रिस जॉर्डन और इंग्लैंड के बैटर जहाँ पे डेविड मिलर इस सीजन के लिए मुल्तान सुल्तान के लिए साइन किए गए हैं। बैटिंग यूनिट में बात करिए जहाँ पे टीम रन बनाने के लिए कप्तान और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और डेविड मिलर, डीजे हेंड्रिक्स, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल साहब, तैयार जैसे डिपेंड होगी। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करते हैं जहाँ पे विकेट दिलाने के लिए अब्बास अफरीदी हैं, शहनाज जहानी है, उसामा मीर है, क्रिस जॉर्डन और मोहम्मद अली जैसे बॉलर्स पे डिपेंड होगी। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं जहाँ पे मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान है, विकेट कीपिंग दोनों हैंडल कर रहे हैं, डेविन मलन, डीजे हेंड्रिक्स है, इफ्तिकार अहमद है, खुशदिल शाह है, तैयब ताहिर है, अब्बास अफरीदी है, शहनवाज धानी है, क्रिस जॉर्डन है, मोहम्मद अली, उसामा मीर है। ये दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब अगर चलते हैं विनर की, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पर कराची किंग्स होगा, क्योंकि कराची किंग्स की टीम काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छे बैट्समैन, ऑलराउंडर सब चीज़ लेकर आए हैं। यहाँ पे मुल्तान सुल्तान को हार मिल सकती है। ऐसे ही टेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।